सारे बैंड भाई सोच दे तो होवोगे कि कमेंटा का जो है ना भाई जवाब नहीं देता। अगर तुसी जवाब चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम जो है ना इजाज विलेज बिलोग के नाम का इंस्टाग्राम बनया हुआ उत्ते आ के तुसी वॉइस मैसेज के जरिए जो है ना मेरे ना गलबात कर सकते हो। लेकिन कल फिर अलीमा साहब की तबीयत जी खराब हो गई, फिर निजाब फातमा की तबीयत खराब हो गई, मैं चलो सुबह मार लूँगा तकरीबन जरा मैं मार ही खड़ा हाँ क्योंकि उधरों ही सारा हो गया ऐ रह गया तंदूर रह गए तुम जरा ना साफ करके मतलब कोले वगैरह सुहा वगैरह के इतने जो है असी पानी पीने वास्ते खुला रखे हुआ है। अगर बोतल वगैरह सानू ठारनी पवे ना तो ही फिर असी बेच ही रख दें तो बोतल जी ठार लें तो बर्फ इनके बेच समझ लो कि एक बार पानी सी भर दें दसा की बर्फ पाती तो फिर जी सारी दिहाड़ी साड़ी लंघ जाती। चल के जो है पानी पीने प्यास जी अक्सर लगी खोती को बेगम साहब गिलास पानी का पिवा तो गए हैं लेकिन प्यास फिर लग गई दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दुआ करना मेरे तमाम बहन भी राज फिर मैंने खुश रहने बाद रहने थे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने अलहमदिल्ला मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। वीडियो शुरू करने पहले तमाम बहन भी रावस रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लो और घंटी के निशान दबाने ना भूलिया ताकि आवन वाली हर नवी वीडियो थोड़े तक बासानी पहुँच सके। और बेगम साहबा कुछ बर्तन सी कपड़े से धोन गई है तो मैं जो सी अग बाल ली मैं क्यों लिया तो जी चाय वगैरह जी वो बना ली अग जी ना मैं बाल ली तो दुध आ जाता तो जी ना चाह बनाने और दुध जो ना आ गया तो हम जो ना चाह बनाने क्योंकि फिर अज काम भी जोड़ा ना काफ़ी सारा करना क्योंकि जो दरंगे पैन ने वो टोके जो है ना बनाने ने ते मिट्टी जी ना शायद जी भिजी पी वो भी मैं अच्छ गोल ही काम तो अच्छ फिर छुट्टी करने घर वाला जो काम है सारा ये करने क्योंकि काम तो जाना मैं सोच रहा कि दरंगा मौज वगैरह जी बना लीए मतलब कि कोई 8-10 छोटिया तंदूरिया बार बना के रख लीए भी एक अद्धी जी ना बिकती रहती तो घर का जरा खर्चा बनया रहा। और निजाब फातमा भी जी ना जाग गई हाँ तबीयत तो हूँ पहले ना कुछ बेहतर से कल तो आसाद से दसदी नहीं हाँ हम तबीयत ठीक है तबीयत ठीक है हूँ है ना बुखार हूँ कोई नहीं ना हस पाओ निजा फातमा सोना काका निजा फातमा को जो है ना फिर आने के बनने चाय जी सुर कर ली भी पक्की गल तक ने और चाय जी ना माशाल्लाह बिल्कुल तैयार होगी माशाल्लाह चाय जी ना तैयार होगी नाश्ता करके उस तो बाद जी तो फिर गलबात करने हाँ जी तो अलहमदुल्ला नाश्ता जोड़ा ना कर लिया हूँ सारे पहले चल के मिट्टी जी ना वो गो लें उस तो बाद मुंज जी बनाने वाली दरंगे जो टोक लवेंगे ये बना के पे लवेंगे तो फिर देखा और काम केड़ा करना क्योंकि मैं तंदूर जो छोटे तंदूर ने 8-10 बना के जोड़े ना बाहर रखने तो सुन इन्हें याद करके चलने चल के मिट्टी गो लेंगे गर्मी भी जी काफ़ी सारी लेकिन कि कर दे कुछ छाँ है कि मिट्टी गाने वाली जगह पर तो मैं जिन देर तक छाँ है ना उम्मीद है क्योंकि अद्धा घंटा छाँ ली और रहेगी फिर जो है ना दुप इतने आएगी उतनी देर तक जी ना मिट्टी जी गो लेंगे। हाँ जी तो माशाल्लाह वेलकम बैक गर्मी जी अखीर है कीड़िया जी तंग कर रही क्योंकि कर उत्ते कीड़िया मकोड़े ने तो इधर कपड़े झाड़ के जो अंदर चली गए इस करके मिट्टी लेट हो गई फिर रात दोते जाके तो उन्होंने लाया आराम ना वैसे इतने लाल रगड़िया तो मर सकदियां ने इस करके जो है फिर उन्होंने 3-4 गीड़िया से उन्होंने नप के जो थले छता एक दिन मिट्टी जी ना समझ लेट होगी परसों की पेई हुई कल गोनी है लेकिन कल जो ना हलीमा साहब की तबीयत जी काफ़ी सर खराब होगी ता करके मिट्टी नहीं गुई सके तो जो ना सुकी पई है
तो जोर जो समझ लो काफ़ी सारा लग लिया, मतलब कि घंटे अद्धे जी मिट्टी में गो लेनी है जी, दो ढाई घंटे खपना पौना। तो मिलने थोड़े न क्योंकि मिट्टी जी हाले वाहवा सारी पई है, इनू पहले गो लवीए क्योंकि मेरी तो दिल है भी छां दे होंदे होंदे जी कि गो लवीए, लेकिन दुख जी आ गई तो इस करके हम पहले मैं गो लव उस बाद गलबात करना। आखिरी पूत जरा मिट्टी का रह गया, चलती जगह ना पानी पीने को प्यास जी अक्सर लगी खोती को गए। बेगम साहब गिलास एक पानी का पिवा तो गए ने, लेकिन प्यास फिर लग गई दोबारा। खाली मुंज जड़ी गिनो भी बनाने वाली पई हुई तिरंग जो टुकने, क्योंकि है वाली मुंज भी जड़ी गिना खत्म होगी। अलहमदुल्ला मिट्टी जड़ी गिना गो ली तो हूँ चल के क्योंकि एंड हो गई अच्छे समझ लो, क्योंकि वो खड्डा थोड़ा जहा नीवा हो गया तो डूबा छाया, इन्हें बहुत थका दिता। हूँ जरा अगर मुँह हाथ धो के कमरे की मुलाकात होंगी तो माशाला हाथ मुँह धो के जरा ना आ गया, तो लेकिन पानी जो ठंडा कौन पिया चलने चल के दसन की बर्फ लाया पानी जो ठंडा करने, क्योंकि कल शाम जो बर्फ पाई सी तो पानी जो गर्म हो गया हाली मसा भी जा के इतने जोड़ा है ना असी पानी पीने वास्ते कूलर रखे हुआ, अगर बोतल वगैरह सानू ठारनी पवे ना तो ही फिर असं बेच ही रख दें तो बोतल जी कि ठार लें, तो बर्फ इन बेच समझ लो कि एक बार पानी सी भर दें दसा की बर्फ पाती तो फिर जी सारी दिहाड़ी साड़ी लंघ जाती। बर्फ लैके पानी जो ना ठंडा पी के उस बाद गंटा के जरा आराम करा, तो गल जो ना पहुँच गया तो बर्फ जी कि लाए ली तो पानी ठार के पी के समझ लो घंटा आराम करा, उस बाद फिर थोड़े मुलाकात होगी। करन तो आराम लग्या सी लेकिन 10 एक मिनट ही सिर्फ बैठा तो ख्याल आया, क्योंकि किचन जोड़ा ना समझ लो कि बारिश जोड़े दिन असी उधर से ख़त्म शरीफ से उस दिन ही जोड़ा ना पिछों बारिश आई तो किचन जोड़ा ना सारा मतलब कि पोचा वगैरह जोड़ा मारिया हुआ खुर गया, तो समझ बेरोबा जो होया पाया मैं जोड़ा पोचा अच मार लीए क्योंकि बारिश ना खोर के थलो जी ना मुंज निकल आई तो किमें ना बेरोबा जहा बेकोश्ता जो हो गया, तो अंदरों सफाई वगैरह करके सारा चूल्हे जोड़ा ना पोचा मारना दीवार ही जी ना सारी मतलब कि धुएं ना काली जी हो गई, ये भी सारे जोड़े क्या पोचा मार लेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जोड़ा क्या गुंजाइश देगा तो फिर असी अपना नया पक्का किचन पावे। सारा पहले चलने चल के मिट्टी कोट के जोड़े कि ना पोचा मारने, क्योंकि मिट्टी शायद बाल्टी बेची पई होगी तो लैमने तो जोड़ा क्या पोचा मारने। हाँ जी, तो पोचा जोड़ा मैं बेच के मिला के आ गया से तो मारना जो है शुरू करता, क्योंकि ना सारा टोटल जोड़ा ना मैं काला भी आई जो बराबर आज इंजाम हो थले संत है अपना डेग तो रहे पोचा, लेकिन बाद बहुकर मार झाड़ू मारे ना ये साफ हो जाएगा। बेगम तीसरे दिन की आखन लगी भी जोड़ा ना किचन सफाइया कर ली है साफ सुथरा कर ली मैं कर जोड़ा ना कारे में जो मैं आराम की लेकिन कल फिर अलीमा साहब की तबीयत जी मैं खराब होगी फिर निजा फातमा की तबीयत खराब होगी मैं चलो सुबह मार लूँगा। इस जगह तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि भाभी हो रोटियां ला के गई है तकरीबन एक दीवार जी पोचा मार लिया, तो बाकी एक दीवार दो दीवार रह गई चूल्हे तंदूरी इन जो मार लिया सेका जरा काफी सारा जरा बनया खड़ा तकरीबन जरा मैं मारी खड़ा क्योंकि उधरों ही सारा हो गया ए रह गया तंदूर रह गए तो चूल्हे जोड़ा है ना साफ करके मतलब कि कोले वगैरह सुहा वगैरह पिछु कट के चूल्हे जोड़ा ने पोचा दिल बारू जो मार लिया।
हाँ जी, माशाल्लाह पोचा जेड़ा ना सारा मुकम्मल टोटल वग गया। बेगम साहब ने फराज तो त्रपड़ी ला के मतलब के मिट्टी वगैरह जी सारी साफ सुथरी कर ली, क्योंकि समझ लो कि सारा गंद वगैरह जो बनया काफ़ी सारा पिया से, लेकिन हूँ दोबारा से मुड़ जेड़ा है ना साफ सुथरा हो गया माशाल्लाह किचन। तो कमेंट करके तुसी जरूर दसना पहले ठीक सी कि हूँ ठीक है। बहरहाल मैनू जेड़ा ना सादा आज किचन जेड़ा ना माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा लग रहा, क्योंकि जिस तरह हाँ सादा जेड़ा बनाया ना बड़ा सोहना मैनू लग रहा किचन। हाँ कमेंट करके दस्या भी रंग अगर इन्हें बहना भाई ने कही तो रंग जी कि असं ला लवेंगे, नहीं तो सादा ही जरा सोहना लग रहा। माशाल्लाह किचन का काम तो जरा मुकम्मल हो गया, लेकिन कपड़े वगैरह जो कि सारे गल गए, तो क्योंकि गर्मी भी जी काफ़ी सारे अच्छ काम किया, तो मैं सोच रहा सारे पहले जरा ना लेने से गलबात करने तो लग्या सी, लेकिन किस्मत लाइट जी चली गई, तो जोड़ा दिन का भरे हुआ तो थोड़ा बहुत पानी खोता है वो जरा क्या धुप की वजह तो जरा क्या गर्म बहुत ज्यादा है, इस करके जरा हूँ शाम में जरा नावे सारे बहन भाई सोचते तो होवोगे कि कमेंटा का जरा क्या भाई जवाब नहीं देता। अगर तुम जवाब चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम जरा क्या इजाज विलेज विलोग के नाम का इंस्टाग्राम बनया हुआ, उत्थे आ वॉइस मैसेज के जरिए जरा क्या मेरे गलबात कर सकते हो। लाइट तो जी शायद शाम को आए, मैं सोच रहा कि मिट्टी जी मैं गोह ली तो लाइट आवन तो ही जरा तंदूरिया जेना लिंब लें या फिर कोई होर काम सफाई वगैरह कर लें, दिल तो जो तंदूरी लिंब लें क्योंकि मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया, इस करके तंदूरी लिंब लें। तो विलाग भी अज का इतने खत्म कर रहे हैं, मिलने हैं किसी नैक्सट अच्छे तो अच्छे विलाग के, फिलहाल इतना अपने पैर बेचा इजाजत अल्लाह हाफिज़।